पर्दों का चांदी की चैन पहनना। मोहम्मद अब्दुल्ला सहारनपुर से पूछते हैं, देखिए सबसे पहली बात यह है कि मर्द हजरात के लिए चांदी की अंगूठी के अलावा कोई और जेवर पहनना जायज नहीं है। हदीस पाक के अंदर आता है कि एक मरतबा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कौन से धात की अंगूठी पहनूं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चांदी की, लेकिन उसके मकदार एक मिसकाल तक न पहुँचे। मतलब यह है कि मर्द हजरात के लिए चांदी की अंगूठी भी जो है वह 4.5 ग्राम से कम हो, यानी इतने वजन की कीमत, इतने वजन से कम अंगूठी वो पहन सकता है। बाकी मर्द हजरात के लिए न चांदी क्या, उसके अलावा मर्द हजरात के लिए चांदी हो या किसी और तहत की हो, कोई भी जेवर पहनना उसके लिए जायज़ नहीं है, चाहे वो हाथ के अंदर कड़ा हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे नौजवान हजरात चांदी का कड़ा वगैरह भी पहनते हैं, चैन वगैरह भी पहनते हैं। तो हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ चांदी की अंगूठी पहनने की इजाज़त दी है, वो भी 4.5 ग्राम से कम वजन की। उसके अलावा मर्द हजरात के लिए किसी भी तरह का जेवर न चांदी का इस्तेमाल करना जायज़ है न और किसी धात का, सिर्फ अंगूठी वो पहन सकते हैं, वो भी सिर्फ चांदी की 4.5 ग्राम से कम वजन की।